एक महिला का पति घूम गया आप तो आदरणीय एसडीएम साहब को साथ में लेके बैठी हैं घूमेंगे नहीं और इनको तो ढूंढ के लाने वाले भी बहुत हैं पर वो घूम गया उसको ढूंढ के लाने वाले कोई नहीं तो वो उसकी पत्नी गई पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई तो वो उसने कहा कि वो कांस्टेबल ने लिखने के लिए पूछा उससे कि तुम्हारा पति और साथ में एक सहेली को ले गई अक्सर ले जाती है चल आते हैं तो थाने भी ले गई तो वो साथ में सहेली और वो उसने कांस्टेबल ने पूछा बोला आपका पति कैसा था बोले बहुत सुंदर नीली नीली आंखें मर्सिडीज़ गाड़ी दस बीस क्रेडिट कार्ड और दिखने में बिल्कुल एकदम ऋतिक रोशन तो वो वो सहेली घबरा गई बोले किसका लिखा रही है बोले गया जैसा गया कम से कम आई तो ढंका एक्सचेंज ऑफर थाने में ले रही भाई मस्ती के मूड में टेंशन अरे डॉक्टर साहब हमारे यहाँ की डोकरियां अच्छा हाँ बुढ़िया हम डोकरी बोलते हैं वो हमारे यहाँ की बुढ़िया है इतनी कलाकार आप इनकी क्या बात करो बुढ़िया इतनी कलाकार डॉक्टर साहब आप पूरी दुनिया में घूमे आपने विश्व को कविता के संस्कार दिए और कविता को आपने ग्लैमर दिया आपने कवि कवियों को सितारा बनाया आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस आपके इस अभियान को परम सफलता की कामना करता हूं पर वो जैसा हाँ एक दो ने और करी डॉक्टर साहब तो वो ऐसा शानदार रिजर्वेशन सिस्टम आप चौपन देशों में गए आपने राम कथा पढ़ी वो वो राम तो खुद बिचारे बस भारत से लंका गए आप तो चौपन देशों में पढ़ के आ गए कितनी बड़ी बात है तो वो इतना सुपर रिजर्वेशन सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं मेरे पुराने परिचित शर्मा जी बैठे हुए हैं जो खरगोन में मेरे साथ थे कहीं वो वो मामला ऐसा कि वो इतना सुपर रिजर्वेशन सिस्टम विश्व में कहीं नहीं है जितना भारत हमारे मध्य प्रदेश में आपकी सरकारी बस में आप बैठो अनुबंधित बस में आप बैठो रूमाल रख दो सीट आपकी किताब रख दो सीट आपके बाप की पानी की बोतल रख दो सीट अपनी वो उस रिजर्वेशन सिस्टम में हमारे मध्य प्रदेश की एक बुढ़िया चढ़ी डॉक्टर साहब तो मध्य प्रदेश की बुढ़िया चढ़ी ऊपर बैठे बैठने के लिए सीट पे उसने पूछा लोगों से बोले ये यहाँ कोई आया वो कोई किताब और रख के बॉटल और अखबार और रुमाल लोग बैठे उसने पूछा यहाँ कोई आ रहा है बोले हाँ आ रहे हैं दूसरे से पूछा बोले यहाँ कोई आ रहा है बोले हाँ आ रहे हैं रिजब बैठे तीसरे से पूछा यहाँ कोई आ रहा है तो बोले बोला आ रहे हैं वो परेशान होकर बुढ़िया बोनट पर बैठ गई बोनट जानते हो ना वो गरम गरम जो लगता है हे कर रहे हो काफी लगा हुआ है आप लोगों में वो बोनट पे बैठ गई भाई साहब अब थोड़ी देर बाद एक अठारह उन्नीस बीस साल की एक जवान लड़की उस पर चढ़ी वो बुढ़िया बोनट पे बैठी हुई मध्य प्रदेश की वो लड़की चढ़ी उसने पूछा बोले यहाँ कोई आ रहा है यहाँ कोई तो सबने कोई ने किताब हटा ली कोई ने बॉटल हटा ली कोई ने रुमाल हटा लिया बोले हाँ यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ वो लड़की इतराने लग गई बोले नहीं मुझे नहीं बैठना है मध्य प्रदेश की डोकरी ने बुढ़िया ने जो कहा पूरा सदन हाथ उठा के तालियां ठाक के उस बुढ़िया तक मध्य प्रदेश वो बोले नहीं लड़की बोल रही नहीं मुझे नहीं बैठना है वो बुढ़िया बोल रही वहां से बैठ जा बेटी बैठ जा पंद्रह बीस साल बाद तो तेरे को भी बोनट बैठना है